नमस्कार दोस्तों, सुविधा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हम पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देख चुके थे और इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है आर्टिकल्स। मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से देखें तो आर्टिकल्स अब डिटरमाइनर्स के रूप में हम देख सकते हैं और आर्टिकल्स जो है वो तीन है, ए, एन और द। आर्टिकल्स का उपयोग क्यों किया जाता है? आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड एज डेकोरेशन, डेकोरेशन की तरह यूज नहीं किया जाता है। आर्टिकल्स के द्वारा जो भी हम नाउन का उपयोग कर रहे हैं उस नाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हम आर्टिकल्स का उपयोग करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि कब ए का उपयोग किया जाता है, कब एन का प्रयोग किया जाता है और कब द का प्रयोग होगा। अच्छा, तो शुरुआत हम कुछ एग्जाम्पल से करेंगे। मैं बताती हूँ कि इन शब्दों के आगे ए लगेगा या एन लगेगा या द लगेगा, तो आप देखिए और फिर हम इसके रूल्स देखेंगे कि क्यों इस पर्टिकुलर शब्द के आगे हमने अ का प्रयोग किया है या एन का प्रयोग किया है या द का प्रयोग किया है। पहला है हाउस, तो हाउस के आगे लगेगा अ हाउस। ओके, अगर बात हो रही है यूनिटी की तो यूनिटी के आगे लगेगा अ। अगर बात हो रही है आवर की, घंटे के लिए जो होता है, आवर के आगे लगेगा एन। क्या लगेगा? एन। अगर बात हो रही है आई ए एस, किसी ऑफिस आई ए एस, उसके आगे भी लगेगा एन। अगर हम बात करते हैं सन की तो सन के आगे लगेगा द। अब यहाँ देख रहे होंगे कि आवर एच से शुरू हो रहा है, वो किसी प्रकार का वॉवेल नहीं है, उसके बावजूद हमने यहाँ पे एन लगाया है। और यूनिटी जो कि हम बोलते हैं कि ए ई आई ओ यू वॉवेल है, तो यू के आगे हमने ए लगाया है। इसी प्रकार से अगला है यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी के आगे क्या लगेगा? यूनिवर्सिटी के आगे लगेगा ए। इसके बाद है हस्बैंड, हस्बैंड के आगे लगेगा ए। उसके बाद है यूजफुल बुक, यू से शुरू हो रहा है लेकिन उसके बावजूद यहाँ लगेगा ए। आफ्टर द स्काई, स्काई के आगे लगेगा द। उसके बाद है यंग मैन, यंग मैन के आगे लगेगा अ। एफ आई आर, एफ आई आर के आगे लगेगा एन। इसी प्रकार से एल एल बी, एल एल बी के आगे भी लगेगा एन। और मून, मून के आगे लगेगा द। तो यहाँ पर आपको कई में लगा होगा कि क्यों यहाँ पर एन लगा या यहाँ पर क्यों ए लगा या क्यों द का प्रयोग हुआ। तो अब हम यहाँ पर शुरुआत से देखते हैं कि ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ए का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं पर एन का प्रयोग कर रहे हैं और कहीं पर द का प्रयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि तीन जो आर्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, पहला है अ, इसका उच्चारण या तो अ से किया जाता है या फिर ए से भी किया जाता है। एन या तो अन या एन से किया जा सकता है। और आपने देखा होगा कई बार हम बोलते हैं द भी लगाते हैं और कई जगह दी भी यूज करते हैं, तो कब द का प्रयोग होगा और कब दी का प्रयोग होगा वो भी आज हम अपनी क्लास में देखेंगे। कि कई बार हम बोलते हैं दी एंड, तो वहां पर हम दी बोल रहे हैं, और कई शब्दों के आगे अगर हम बात कर रहे हैं द गीता, तो वहां पर हम द बोल रहे हैं। तो ऐसा क्या रीजन है कि कहीं हम टी एच ई को द के हिसाब से बोला जाता है और कहीं पर टी एच ई को दी के हिसाब से देखते हैं, वो आज की हम क्लास में देखने जाएंगे। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग। इंग्लिश हैज थ्री आर्टिकल्स, ए, एन और द। दीज आर्टिकल्स आर यूज बिफोर नाउन, इनका प्रयोग नाउन से पहले होता है और ये बताने के लिए होता है कि नाउन जनरल है या स्पेसिफिक है। तो ये रीजन है कि हम आर्टिकल का यूज करते हैं। ये नाउन के बारे में बताता है, उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है कि ये जनरल है या स्पेसिफिक है, इसलिए आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल्स जैसे कि हमने बात करी, ये डेफिनेट भी हो सकता है और इनडेफिनेट आर्टिकल भी हो सकते हैं। अगर डेफिनेट आर्टिकल है तो उसके आगे हमेशा द लगेगा, इनडेफिनेट आर्टिकल्स के आगे लगेगा ए या एन। अब वो कैसे लगेगा वो हम रूल्स देखेंगे, कब ए का प्रयोग होगा कब एन का प्रयोग होगा। लेकिन हमने यहाँ बात कर ली कि जब भी कोई स्पेसिफिक अगर हम बात करें या ये यूनिक चीज की बात करेंगे तब द का प्रयोग होगा। अगर हम किसी इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं उस परिस्थिति में हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करेंगे। इफ आई से लेट्स रीड द बुक, ओके, लेट्स रीड द बुक। अब जब द बुक लिखा है यहाँ पर
इसका मतलब है द बुक भी लिखा जा सकता है और अ बुक भी लिखा जा सकता है। अब डिफरेंस क्या है, अगर हम स्पेसिफिक बुक की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं कि हाँ वही बुक पढ़ रहे हैं, उस परिस्थिति में हम द का प्रयोग करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं लेट्स रीड अ बुक, लेट्स रीड अ बुक अगर हम बोलते हैं, इसका मतलब बहुत सारी किताबें, उनमें से कोई भी एक किताब मैं पढ़ रहा हूँ। आई बात समझ में? द का प्रयोग स्पेसिफिक के लिए हुआ, एक यूनिक बुक के लिए किया है, लेट्स रीड द बुक, ये बात हुई है, इसका मतलब स्पेसिफिक बुक को पढ़ना है। लेकिन अगर आ गया है रीड अ बुक, इसका मतलब है कि बहुत सारी किताबों में से एक कोई बुक पढ़नी है, यानी वो स्पेसिफिक नहीं है। उस कंडीशन में, उसी सेंटेंस में हमने ए का प्रयोग किया, लेकिन स्पेसिफिक की बात आई तो हमने वहां पर द का प्रयोग किया है। तो एक बात तो हमारे समझ में आ गई कि अनिश्चित नाउन है उससे पहले हम ए या एन का प्रयोग करेंगे और निश्चित नाउन से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। अब दूसरा रूल ये है कि ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड की बात हो रही है, आप याद रखिएगा, इंग्लिश की जब अगर हम कॉन्सोनेंट लेटर्स की बात करते हैं, हम व्यंजन की बात करते हैं, तो इंग्लिश के ये सारे व्यंजन हैं, ठीक है। और सिर्फ इंग्लिश में वोवेल पांच ही हैं, इंग्लिश लेटर्स की बात करें, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमें बात करनी है साउंड की, कि उसका साउंड कैसा आ रहा है, उसकी ध्वनि कैसे आ रही है, उसको जब प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उसकी पहली ध्वनि कैसा निकल रही है, हमें उस चीज का ध्यान रखना है जब हम ए और एन का प्रयोग करें। उदाहरण हम देख लेते हैं, अ बॉय, तो यहाँ पर क्या है, बॉय, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने ए का प्रयोग किया, एन का प्रयोग नहीं किया। अ कैट, यहाँ पर सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, वोवेल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर ए का प्रयोग किया, एन का प्रयोग नहीं किया। डी, अ डॉग, यहाँ पर भी ए का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। अ फाइट, अ जिम, अ हॉर्स, अ जोक, अ काइट, अ लायन, अ मिरर, अ नॉइज, अ पिन, अ क्विल्ट, एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या बात की, कि पहली बात तो ये कि कॉन्सोनेंट अगर है तो कॉन्सोनेंट साउंड अगर आता है उस कंडीशन में हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे, हम सिर्फ ए का प्रयोग करेंगे। तो एन का प्रयोग कब करेंगे, एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ वोवेल साउंड। अगर वोवेल साउंड से शुरुआत हो रही है उस परिस्थिति में हम एन का प्रयोग करेंगे, यानी वो अल्फाबेट ए ई आई ओ यू अगर है और उनका साउंड जो है बोलने का उस समय शुरुआत में अगर वोवेल साउंड आता है, उस परिस्थिति में हम एन लगाएंगे। जैसे एप्पल, तो एन एप्पल, क्यों, क्योंकि वो वोवेल साउंड से शुरुआत हुई है। एन एलिफेंट, एन इडियट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, तो यहाँ पर इन सब जगह किसका प्रयोग हुआ है, एन का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज हमने क्या देखी, कि हम लेटर्स नहीं देख रहे हैं, कि हम ए ई आई ओ यू सिर्फ इसी को देखकर हम ए या एन नहीं लगा देंगे, कि ए ई आई ओ यू है तो हम एन लगाएंगे, बाकी कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाता है तो हम ए लगाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको किस हिसाब से यूज करना है, बेसिस ऑफ द साउंड, आपको साउंड कैसा निकल रहा है उस बेसिस पर उसका प्रयोग करना है। जैसे एन आवर, आवर में आ की ध्वनि निकल रही है, और जब आ की ध्वनि निकल रही है उस समय हम कह सकते हैं कि इसकी जो ध्वनि है आ से निकल रही है, हमने पिछली स्लाइड में देखा था। अगर आ की ध्वनि निकलती है तो वो एक प्रकार का स्वर होगा, वोवेल है, वोवेल की ध्वनि निकल रही है, यानी एन का प्रयोग होगा। एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, यानी यहाँ पर भी किसकी ध्वनि निकल रही है, अ की ध्वनि निकल रही है, इसलिए ये एक प्रकार का वोवेल होगा। अ वन आइट डॉग, अब वन है, शुरुआत ओ से हो रही है, हम कह रहे हैं कि ए ई आई ओ यू, ओ है यानी एन लगना चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत वन की किससे हो रही है, व से हो रही है, उस परिस्थिति में यहाँ पर एन नहीं लगेगा, यहाँ पर ए का प्रयोग ही होगा। तो कुछ और उदाहरणों से भी हम ए और एन के बारे में पढ़ते हैं। ए एंड एन इज यूज टू रेफर नॉन स्पेसिफिक एंड नॉन पर्टिक्यूलर मेंबर ऑफ द ग्रुप, ठीक है, स्पेसिफिक जो नहीं होते हैं उनके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं उस समय ए या एन का प्रयोग होगा। एक और एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ, आई वुड लाइक टू गो सी अ मूवी, ओके, तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक मूवी की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल की बहुत सारी मूवी लग रही हैं और उनमें से हम कोई एक मूवी देखने जा रहे हैं, वहां पर हमने ए का प्रयोग किया है। वी आर टॉकिंग अबाउट एनी मूवीज, देयर आर मैनी मूवीज एंड आई वॉन्ट टू सी एनी मूवी, आई डोंट हैव स्पेसिफिक वन इन माइंड, इट मीन्स वी आर यूजिंग अ मूवी, ओके। इसी प्रकार से अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, माई डॉटर रियली वॉन्ट्स अ डॉग फॉर क्रिसमस, तो वो कोई भी डॉग चाहती है, ठीक है,
दिस रेफर्स टू एनी डॉग वी डू नॉट नो विच डॉग बिकॉज वी हैवंट फाउंड डॉग येट. ओके, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, अ लगेगा. क्यों? क्योंकि वो डॉग स्पेसिफिक नहीं है, उसने सिर्फ एक डॉग को लाने की बात करी है क्रिसमस पर. तो ये बात आपको समझनी है कि ये क्या है, अगर नॉन स्पेसिफिक मेंबर्स की बात हो रही है उस कंडीशन में ए या एन का प्रयोग होगा, द का प्रयोग नहीं होता है. तो यहाँ पे हम रूल्स देखें अगर कि कब अ लगेगा और कब एन लगेगा. अगर सिंगुलर नाउन है और वो बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट और उसकी शुरुआत अगर किसी कॉन्सोनेंट से होती है, भाई एक सिंगुलर नाउन है बॉय और इसकी शुरुआत भी कॉन्सोनेंट से हो रही है, तो ए का प्रयोग होगा. अ कार, अ बॉय, अ बाइक, अ डॉग, अ जू. अगर एक सिंगुलर नाउन है लेकिन उसकी शुरुआत किसी वॉवल से हो रही है, उस परिस्थिति में एन का प्रयोग होगा. ठीक है. तीसरा, सिंगुलर नाउन है लेकिन वो शुरुआत हो रही है उसकी कॉन्सोनेंट से. ओके, कॉन्सोनेंट, सिंगुलर नाउन बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड, उसका साउंड भले वो एक कॉन्सोनेंट साउंड का उपयोग हो रहा है. जैसे यूजर, यूजर में क्या है, हमने अभी बात करी कि ए ई आई ओ यू अगर वॉवेल है लेकिन उसकी साउंड क्या है, पहला साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है, यानी यू से शुरुआत हो रही है उसकी. इट बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट, इस उस कंडीशन में एन का प्रयोग नहीं होगा, उस परिस्थिति में ए का प्रयोग ही होगा. नाउन स्टार्ट विद द साइलेंट एच, अगर एच साइलेंट है उस परिस्थिति में एन आर, तो यहाँ पर एच जो है वो साइलेंट है, उस परिस्थिति में एन का प्रयोग होगा. अगर प्रोनाउंस्ड एच है, एच का पूरा प्रोनाउंस किया जा रहा है, उच्चारण किया जा रहा है, उस परिस्थिति में ए का प्रयोग होगा, जैसे अ हॉर्स. अ ब्रोकन एग, बी का प्रयोग हो रहा है. एंड अनयूजुअल, अन तो अ का प्रयोग हो रहा है जो कि एक वॉवेल का साउंड दे रहा है. यूरोपियन, यूरोपियन में य आ रहा है, यहाँ ई को देखकर हम एन नहीं लगाएंगे, अ का प्रयोग ही होगा. क्यों? क्योंकि इसका जो पहल शुरुआत है उच्चारण की वो एक कॉन्सोनेंट की तरह है. इसी के साथ एक और रूल ये है कि ए एंड एन कैन बी यूज्ड ओनली विद काउंट नाउन्स. ओके, काउंटेबल नाउन्स के साथ ही इसका प्रयोग हो सकता है. आई नीड अ बॉटल ऑफ वॉटर, आई नीड अ न्यू ग्लास ऑफ मिल्क, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, अ का या एन का प्रयोग हो सकता है, द का प्रयोग नहीं होगा. अब हम बात करते हैं द की. द जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है जिसका प्रयोग नाउन से पहले, विशेष, निश्चित या फिर जिसकी चर्चा पहले से की जा चुकी है उस रूप में किया जाता है. लेकिन इंग्लिश ग्रामर में कई छात्र इसका प्रयोग अनुचित तरीके से करते हैं, इसका बहुतायत से उपयोग किया जाता है, जहां पर इसकी जरूरत नहीं होती है वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है. तो हम आज रूल्स देखेंगे कि कहां द का प्रयोग करना चाहिए और कहां पर द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और कब द का प्रयोग किया जाता है और कब दी का प्रयोग किया जाता है, वो हम अब बात करते हैं. सो द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर और प्लूरल नाउन व्हेन द नाउन इज स्पेसिफिक और पर्टिकुलर. अगर कोई नाउन स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है, कोई विशेष नाउन की बात चल रही है, उस परिस्थिति में हम द का प्रयोग करेंगे. हमने जैसे शुरुआत के उदाहरण में देखा था सन, तो हमने उसके आगे द लगाया था. क्यों? क्योंकि सन इज स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं. अगर हम बात करते हैं मून की, अगर हम बात करते हैं अर्थ की, तो ये सब स्पेसिफिक हैं, पर्टिकुलर हैं, और इस इनके आगे हम द का प्रयोग करेंगे. द सिग्नल दैट द नाउन इज डेफिनेट दैट इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ ग्रुप. द डॉग दैट बाइट मी रैन अवे, वो कुत्ता जिसने मुझे काटा था, यहाँ पर पहले से इसकी चर्चा हो चुकी है, उस कुत्ते के बारे में जानते हैं, उसके बारे में अगर बात हो रही है तो वहां पर द लगेगा. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक डॉग. ओके, सेकंड, एक और चीज आपको याद रखनी है कि कब द का प्रयोग होगा और कब दी का प्रयोग होगा. अगर द जो भी नाउन का प्रयोग हो रहा है और वो नाउन वॉवेल साउंड से शुरू होता है, तो उसके आगे दी लगाया जाएगा. जैसे हम बात करते हैं एंड, एंड में वॉवेल साउंड की शुरुआत हो रही है, तो उसके आगे अगर हम बोलेंगे तो उसे दी एंड बोलेंगे. लेकिन अगर पहला जो नाउन है और नाउन की शुरुआत अगर कॉन्सोनेंट साउंड से हो, तो उसको आगे द लगाया जाएगा. इसीलिए हम अगर द बॉय के आगे लगा रहे हैं तो द बॉय लिखेंगे, एंड आ रहा है तो दी एंड का प्रयोग किया जाता है. तो ये डिफरेंस है द और दी के उच्चारण में. अब जैसे हमने ए और एन में पढ़ा था कि काउंट नाउन में ए या एन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर हम नॉन काउंट नाउन की बात करें तो वहां पर द का प्रयोग किया जाएगा.
या फिर उसको ओमिट भी किया जा सकता है अगर हम एनी वाटर की बात कर रहे हैं, यानी स्पेसिफिक नहीं है उस कंडीशन में। आई लव टू सेल ओवर द वाटर, अगर कोई स्पेसिफिक वाटर बॉडी है उस परिस्थिति में हम द का प्रयोग करेंगे, एनी वाटर है तो उस परिस्थिति में हम किसी का भी प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ यूज किया जाता है द का। विद यूनिक ऑब्जेक्ट, ये हम बात कर ही चुके हैं कि कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, यूनिक ऑब्जेक्ट है, उस परिस्थिति में हम द का प्रयोग करेंगे। दूसरा विद एडजेक्टिव रेफरिंग टू होल ग्रुप ऑफ पीपल, द ओल्ड द रिच, वहाँ पर द का प्रयोग किया जाएगा। विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशियंस एंड सीज, द का प्रयोग किया जाएगा। द नील, द पैसिफिक, पॉइंट ऑन द ग्लोब, द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट के आगे द का प्रयोग होगा। द सहारा, द ब्लैक फॉरेस्ट, फेमस बिल्डिंग और म्यूजियम्स के आगे यूज हो सकता है द ताज। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, वहाँ पर इसका उपयोग हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट, विद द नेम्स ऑफ फैमिली, जैसे द शर्माज, द वर्माज, उस परिस्थिति में द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार कंपेरेटिव डिग्री से पूर्व इसका प्रयोग एडवर्ब की तरह किया जा सकता है, जैसा एग्जांपल है द मोर शी गेट्स द मोर शी डिमांड, तो यहाँ पर एडवर्ब की तरह द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार बॉडी पार्ट्स के में द का प्रयोग किया जा सकता है, उदाहरण राम हिट हिम इन द हेड, तो यहाँ पर द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार धार्मिक ग्रंथों के नाम से पूर्व भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं द का, जैसे द रामायण, द बाइबल, लेकिन जैसे हम वाल्मीकि रामायण की बात करते हैं तो उसके आगे द का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है। बिफोर जॉब एंड प्रोफेशन वी कैन यूज द ही लाइक्स द बैंकिंग प्रोफेशन, तो यहाँ पर हमने द का प्रयोग किया है। तो ये सारे कुछ रूल्स हैं कि कब हम द का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कब द का प्रयोग नहीं करना है। Names of the most country and territories, वहाँ पर द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर इटली बोल रहे हैं, मैक्सिको बोल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको द का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन उसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं। अगर कोई कंट्री जो कि प्लूरल फॉर्म में दिखाई देता है, जैसे नीदरलैंड्स, तो वहाँ पर द का प्रयोग होगा। या फिर हम बात करते हैं किसी भी कंट्री के आगे, या तो वो किंगडम है, या कोई स्टेट है, या रिपब्लिक है, या फिर वो प्लूरल है, उस परिस्थिति में हम उसके आगे द लगाएंगे, अदरवाइज हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। नेम्स ऑफ द सिटीज, टाउन्स, वी कैन नॉट यूज द। स्ट्रीट्स के नेम के आगे द का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेक्स के आगे नहीं किया जाता है। नेम ऑफ द माउंटेन नहीं किया जाता है, लेकिन अगर हम ग्रुप की बात करेंगे या रेंजेस की बात करेंगे, वहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स यूज नहीं किया जाएगा। एशिया, यूरोप, इनके आगे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। नेम ऑफ आइलैंड, ओके, लेकिन फिर एक्सेप्शन आ जाएगा, अगर आइलैंड चेन्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर द का प्रयोग किया जाएगा। बिफोर द नेम ऑफ डिजीज, कोई बीमारी से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। बिफोर अ प्रॉपर नाउन वी कैन नॉट यूज द। इसी के साथ अगर ओनली से पहले द का प्रयोग तब किया जाए जब ओनली का मतलब इकलौता होता है, और अगर हम अगर होल शब्द की बात करते हैं तो उसके पहले द लगाया जा सकता है, ऑल के बाद द लगाया जा सकता है। तो अब हमें यहाँ पर सुटेबल आर्टिकल का यूज करना है। पहला है राम इज गुड बॉय, तो यहाँ पर क्या लगेगा, राम इज अ गुड बॉय। अगला है यूरोपियन वुमन केम टू अमेरिका, तो यहाँ पर ई है, लेकिन उसके बावजूद हम क्या लगाएंगे, आगे अ लगेगा। मोहन इज एनडीए ऑफिसर, हमें पता है यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे इसकी विशेषता बताई जा रही है, और ये एन ए से उपयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या उपयोग किया जाएगा, एन का प्रयोग किया जाएगा। अगला आपको याद रखना है आई वॉन्ट टू बाय बुक, अब यहाँ पर कोई स्पेसिफिक बुक की बात नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा, आई वॉन्ट टू बाय अ बुक, क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक बुक नहीं है। दिस इज डैश हाउस आई लिव इन, ये वह घर है जहाँ मैं रहता था, यानी एक स्पेसिफिक घर की बात हो रही है, और जब भी स्पेसिफिक घर की बात हो रही है यहाँ पे, तो किसका उपयोग होगा, द का प्रयोग होगा। इस प्रकार से आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।